मैं रामबाबू राठौर जुल्मी कबड्डी संचालक आप सभी का हमारे YouTube चैनल केबीडी जुल्मी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर, मेहमान के तौर पर प्रदेश मंत्री श्री नरेंद्र जी राजा मौजूद हैं। भाई साहब, ये जो आयोजन जुल्मी में होने जा रहा है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, भरतपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, बूंदी, रतलाम, नीमच, मंदसौर, ये सभी टीमें इस आयोजन में हिस्सा लेने जा रही हैं और आप पिछले आयोजन से इस कबड्डी से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, मैं चाहूंगा कि रामगंज मंडी के युवाओं के लिए आप इस आयोजन को किस तरह से देखते हैं। राम बाबू जी, पहले तो मैं आपको इस बहुत ही बेहतरीन आयोजन के लिए बधाई देना चाहूंगा, आपको और आपकी पूरी टीम को। पिछली बार मैं आपके इस आयोजन में आया था और मैंने वहां आकर महसूस किया कि राजस्थान के कोटा जिले के उपखंड रामगंज मंडी के एक पंचायत समिति स्तर के ग्राम जुल्मी में इतना राष्ट्रीय स्तर का भव्य आयोजन देखकर मैं प्रफुल्लित हो गया। खेलों से मैं लगातार जुड़ा हुआ रहा हूँ, खेल में कई प्रकार के आयोजन में भी कराता रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था, मतलब क्रिकेट के आयोजन लगातार क्षेत्र में होते आ रहे हैं, लेकिन कबड्डी को लेकर इस तरह का आयोजन जिसमें मीटिंग की गई हो, पूरी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल स्तर की गई हो और मीटिंग पर होने वाला, तो मेरे हिसाब से कोटा जिले में या हड़ौती में तो एक पहला ही खेल। मैं रामगंज मंडी के युवाओं को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, रामगंज मंडी नहीं, पूरे भारत के, पूरे राजस्थान के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कबड्डी जो है हमारे भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ खेल है और ये आयोजन जुल्मी के अंदर हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं क्षेत्र के, वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और यदि खेल सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आयोजन में सहयोग करें। हम भी पूरी तरह से इस आयोजन में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तन मन धन जिस तरह से भी हम इसमें सहयोग करेंगे, अपने आप को धन्य समझेंगे इस आयोजन के लिए। मैं इस पूरी कमेटी को और राम बाबू जी को पुनः धन्यवाद। जैसा कि मुझे पता लगा है कि जुल्मी कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन हो रहा है और इस आयोजन को जो कमेटी आयोजित कर रही है, इससे जो पैसा संग्रहित होगा वो आयोजन पे तो खर्च होगा ही, लेकिन जो पैसा बचेगा वो जुल्मी मुक्ति धाम के विकास पर खर्च किया जाएगा। तो इसमें जो भी युवा साथी, जो भी आर्थिक सहयोग करेंगे, उन सबके लिए एक खुशी की बात ये है कि वो इस कबड्डी प्रतियोगिता में आर्थिक सहयोग करके खेल को प्रोत्साहित तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक पुण्य का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पैसा है वो मुक्ति धाम में भी लगेगा। तो ये थे हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश मंत्री नरेंद्र जी राजा, जिनके विचारों से हम सभी अवगत हुए और लगातार इनके विचार YouTube के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचते रहेंगे। नरेंद्र जी राजा के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, ये यहाँ पधारे और इनके विचारों से हमें अवगत कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, ताकि लगातार जितनी अपडेट्स हम यहाँ से भेज रहे हैं, जितने इंटरव्यू आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको मिले।